hello children how are you all i'm sure you all are doing good let's start today's chapter money as we have learnt indian currency is in the form of rupees and paise rupees and paise are in the form of coins and notes the pictures given below show the coins apart from coins we have currency notes in the denomination of 1 rupee 2 rupee 5 rupee 10 rupee 20 rupee 50 rupee 100 rupee टू हंड्रेड रुपी फाइव हंड्रेड रुपी एंड टू थाउजेंड रुपी करांसी के बारे में तो आपको पता ही है रुपीज़ और पैसे आई एम श्योर आपने ये सारे ही कॉइन्स देखे हैं यूज़ भी करते हैं आप डेली लाइफ में इसी तरह से ये सारे ही नोट्स आपने देखे होंगे एंड आप इन्हें यूज़ भी करते हैं आपको एक्सरसाइज दी गई है आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग हाउ कैन यू पे एटी फाइव रुपीज़ विथ फोर डिफरेंट नोट्स आपको एटी फाइव रुपीज़ पे कर रहे हैं फोर डिफरेंट नोट्स से अब आप इसे कैसे करेंगे ये आप खुद सोचेंगे और फिर बताएंगे एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स वी कैन एक्सप्रेस मनी बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ पेंसिल बॉक्स कॉस्ट फिफ्टी रुपीज एंड सेवेंटी फाइव पैसे देन इट विल बी रिटर्न इन वर्ड्स एज फिफ्टी रुपीज एंड सेवेंटी फाइव पैसे टू एक्सप्रेस दिस अमाउंट इन फिगर वी राइट इट एज रुपीज फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव पैसे हैंस द डॉट इज़ यूज फॉर द वर्ड एंड एज अ कन्वेंशन वी डू नॉट राइट पी देखिए इस डॉट का मतलब ही है कि ये पैसे हैं रिमेंबर दैट रुपीज़ आर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द डॉट एंड पैसे आर रिटर्न टू द राइट ऑफ द डॉट देखिए आपको जैसे मैंने ये बताया डॉट से पहले हम रुपीज़ लिखते हैं एंड डॉट के बाद पैसे अमाउंट लेस देन वन रुपी मे बी शोन ईदर विद अ सिंबल पी ऑफ पैसे और विद अ सिंबल आर ऑफ रुपीज एन द डॉट अगर एक रुपए से कम का अमाउंट है या तो आप उसे पी से डिनोट करेंगे या फिर आर से भी हम कर सकते हैं बट उसमें एक डाट भी होना चाहिए आपको एक्सरसाइज दी गई है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी वी नो दैट वन रुपी इज इक्वल्स टू हंड्रेड पैसे

रुपी फोर इज इक्वस टू फोर टू हंड्रेड इज इक्वस टू फोर हंड्रेड पैसे कोई भी अगर आपको अमाउंट दिया गया है आपको रुपीज में दिया गया है एंड आपको पैसे में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड आंसर विल बी फोर हंड्रेड कन्वर्शन ऑफ पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे वी डिवाइड द नंबर ऑफ पैसे बाई हंड्रेड और सिंपली काउंट टू डिजिट्स गिवन नंबर ऑफ पैसे एंड पोटाडॉट टू आइसोलेट पैसे फ्रॉम द रुपीज अब आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज और पैसे में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं या तो आप 100 से divide कर दीजिए या फिर simply left से दो डिजिट ले लीजिए वो आपके पैसे एंड जो बाकी बचा आपके रुपीस. फॉर एग्जाम्पल 2856 पैसे 2856 पैसे आप चाहें तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे जब आप इसे हंड्रेड से डिवाइड करेंगे यो आंसर विल बी रुपीज ट्वेंटी एट एंड फिफ्टी सिक्स पैसे सेम फोर थर्टी टू पैसे इसको भी आप हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा फोर रुपीज एंड थर्टी टू पैसे और अगर आपका फाइव पैसे है फॉर फाइव पैसे आप इसे डिवाइड करें हंड्रेड से यो आंसर विल बी रुपीज जीरो पॉइंट जीरो फाइव कन्वर्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे इंटू पैसे टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इंटू पैसे वी मल्टीप्लाई द अमाउंट्स इन रुपीज बा हंड्रेड एंड एड टू द नंबर ऑफ पैसे अब आपको रुपीज एंड पैसे को कन्वर्ट करना है पैसे में तो आप कैसे करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको ये अमाउंट दिया गया है आप डॉट से पहले जो नंबर है उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डॉट के बाद यानी जो पैसे हैं आप उसको प्लस कर लेंगे देखिए टू को आप मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड पैसे प्लस फाइव पैसे सो आंसर विल बी टू हंड्रेड फाइव पैसे ओके okay, चिल्ड्रन बाकी आपके दोनों एग्जांपल्स सेम ऐसे ही हैं वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इन टू पैसे बाई सिंपली रिमूविंग द डॉट एंड वी गेट द आंसर इन पैसे और बहुत ही ईजी मैथड क्या है आपको जब कन्वर्ट करना है, आप सिंपली आप डॉट को रिमूव कर दीजिए और आपका आंसर पैसे में आ जाएगा जैसे आपको अगर नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए टू जीरो फाइव पैसे जस्ट रिमूव द डॉट ओके okay, चिल्ड्रन अब आपको एक्सरसाइज दी गई है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे एडिशन ऑफ मनी वी कैन ऐड मनी अमाउंट्स इन टू वेज एडिशन विद कन्वर्जन एंड एडिशन विदाउट कन्वर्जन आपको मनी को ऐड करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप उसे कन्वर्ट करके ऐड कीजिए या फिर बिना कन्वर्ट किए भी आप उसे ऐड कर सकते हैं एडिशन विद कन्वर्जन स्टेप वन कन्वर्ट द गिवन अमाउंट्स इनटू पैसे स्टेप टू एड पैसे स्टेप थ्री कन्वर्ट द सम इंटू रुपीज एंड पैसे सबसे पहले आप अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट करेंगे फिर पैसे ऐड करेंगे देन सम को आप रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया एड रुपीज फोर्टी थ्री एंड फिफ्टी सिक्स पैसे एंड रुपीज थर्टी टू सिक्सटी टू पैसे तो आप इसे कैसे करेंगे सबसे पहले आप इसे पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज 43.56 जब आप इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप सिंपली डॉट हटा देंगे और आपका आंसर पैसे में आ जाएगा देन आपका है थर्टी टू रुपीज एंड सिक्सटी टू पैसे थर्टी टू रुपीज एंड सिक्सटी टू पैसे अगेन डॉट हटा दीजिए तो आपका आंसर पैसे में आ जाएगा अब आप स्टेप टू करेंगे स्टेप टू में क्या है कि आप इन दोनों को ही प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आपका आंसर आएगा सिक्स प्लस टू एट सिक्स प्लस इलेवन थ्री प्लस टू फाइव प्लस एंड फोर प्लस थ्री सेवन सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटीन पैसे अब स्टेप थ्री आपको कन्वर्ट करना है रुपीज और पैसे में तो आप इसे कैसे कर सकते हैं आप राइट right से दो डिजिट लेंगे एंड देन डॉट लगा देंगे ये आपका कन्वर्ट हो गया है एडिशन विदाउट कन्वर्शन स्टेप वन राइट द गिवन अमाउंट्स इन कॉलम्स राइट रुपीज अंडर रुपीज एंड पैसे अंडर पैसे एड पैसे विद पैसे एंड रुपीज विद रुपीज अब आपको कन्वर्ट नहीं करना है नहीं करें अब आप कैसे करेंगे रुपीज को रुपीज के कॉलम के साथ लिखेंगे एंड पैसे पैसे के कॉलम के अंडर जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है आप यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे रुपीस एंड पैसे ओके okay? पॉइंट से पहले आपका रुपीस होता है तो थर्टी सिक्स रुपीज़ एंड सिक्सटी सेवन पैसे इसी तरह से आपका है एटी फाइव रुपीज़ एंड फोर्टी नाइन पैसे एटी फाइव रुपीज़ एंड 49 फोर्टी नाइन पैसे अब आप सिंपली इसको प्लस करेंगे जैसे आप करते हैं पैसे को पैसे के साथ एंड रुपीज़ को रुपीज़ के साथ नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन सिक्स प्लस फोर टेन प्लस वन इलेवन देन वन कैरी सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस वन ट्वेल्व वन वन कैरी एंड एट प्लस थ्री इलेवन प्लस वन ट्वेल्व सो हियर इज द रिक्वायर्ड नंबर. जब आप इनको प्लस करेंगे तो आप अब आप इसे लिख सकते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी टू एंड 16 पैसे ओके okay, चिल्ड्रन अब आपको नीचे एडिशन दिए गए हैं इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी वी कैन सब्ट्रैक्ट मनी अमाउंट्स इन टू वेज सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन एंड सब्ट्रैक्शन विदाउट कन्वर्जन जैसे हमने एडिशन किया था सब्ट्रैक्शन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन कन्वर्ट द गिवन अमाउंट्स इंटू पैसे सब्ट्रैक्ट पैसे कन्वर्ट द डिफरेंस इंटू रुपीज एंड पैसे सबसे पहले आप अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट करेंगे फिर पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिफरेंस को रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट रुपीज फोर्टी फाइव एंड थर्टी टू पैसे फ्रॉम रुपीज एटी सेवन एंड ट्वेंटी फाइव पैसे स्टेप वन आप स्टेप वन में क्या करेंगे सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट कर देंगे ओके okay. अब आपके दोनों में से ये अमाउंट बिगर है तो सबसे पहले हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे डॉट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पैसे देन हम नेक्स्ट अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो आपका आंसर होगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी टू पैसे नाउ स्टेप टू आप इसे सब करेंगे फाइव माइनस टू थ्री टू में से आपका थ्री माइनस नहीं होगा तो आप कैरी लेंगे देन योर आंसर विल बी नाइन यहाँ पे आपका सिक्स बचा वन एट माइनस फोर फोर 4,193 पैसे। वन स्टेप थ्री पैसे पैसे आपको मिल गए इसको कन्वर्ट करना है रुपीस और पैसे में। तो आप सिंपली क्या करेंगे डॉट पुट कर देंगे एंड रुपीस। सब्ट्रैक्शन विदाउट कन्वर्जन। अब बिना कन्वर्ट किए आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्टेप वन राइट द गिवन अमाउंट्स इन कॉलम्स राइट रुपीज़ अंडर रुपीज एंड पैसे अंडर पैसे सब पैसे फ्रॉम पैसे एंड रुपीज़ फ्रॉम रुपीज अगेन आपको दो कॉलम बनाने हैं रुपीज़ और पैसे के रुपीज़ को रुपीज़ में से माइनस करेंगे एंड पैसे को पैसे में से माइनस करेंगे फॉर एग्जाम्पल सब ट्रैक्ट सेवेंटी फाइव रुपीज़ एंड एटी एट पैसे फ्रॉम टू हंड्रेड सिक्सटी फोर रुपीज़ एंड फिफ्टी फोर पैसे सो आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे रुपीज़ एंड पैसे आप करेंगे माइनस टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पैसे से माइनस करेंगे आप सेवेंटी फाइव रुपीज़ एटी आप इसे माइनस करेंगे और जो माइनस करने के बाद आंसर आएगा उसके बाद आप इसे रुपीज़ एंड पैसे में कन्वर्ट कर देंगे बाय सिंपली पुटिंग अ डॉट सो आपको एक्सरसाइज दी गई है नीचे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे

रुपीज एंड पैसे आपके हैं थ्री हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज़ एंड पैसे एटी सिक्स जिसे आपको टू से मल्टीप्लाई करना है सो जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसे भी हम ऐसे ही करेंगे टू सिक्स आर ट्वेल्व टू वन कैरी टू एट्स आर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन वन कैरी टू सेवन आर फोटीन प्लस वन फिफ्टीन देन अगेन वन कैरी टू आर एट एंड वन नाइन एंड टू थ्रीज सो ये आपका प्रोडक्ट है और अब आप इसको रुपीज में और पैसे में कैसे लिखेंगे आपको राइट साइड से दो डिजिट के बाद डॉट लगाना ओके अब आपको मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल वन द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज़ रुपीज़ ट्वेंटी एट एंड फिफ्टी पैसे एंड अ बैट इज़ रुपीज़ सेवेंटी थ्री एंड सिक्सटी एट पैसे वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स ओके बॉल का कॉस्ट आपको दिया गया है और बैट का कॉस्ट आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि दोनों का कॉस्ट कितना है दोनों ही आइटम्स का तो आप इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे और प्लस आप कैसे करेंगे अगेन रुपीज़ इन पैसे का कॉलम बना के देखिए बॉल का कॉस्ट है आपका पहले सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे रुपीज इन पैसे बॉल का कॉस्ट है ट्वेंटी एट रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे एंड बैट का कॉस्ट है सेवेंटी थ्री रुपीज़ एंड सिक्सटी एट पैसे सो टोटल कॉस्ट आप इसे प्लस कर देंगे सिक्स प्लस फाइव इलेवन वन कैरी एट प्लस थ्री इलेवन प्लस वन ट्वेल्व एंड वन कैरी सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन टोटल कॉस्ट आपकी आएगी वन हंड्रेड टू रुपीज ये पैसे एग्जाम्पल टू ऑन अ पर्टिकुलर डे अनुराग अ रिक्शा पुलर ऑन रुपीज नाइंटी थ्री एंड स्पेंड फोर्टी सिक्स रुपीज एंड ट्वेंटी फाइव पैसे हाउ मच मनी डिड ही सेव ऑन दैट डे अब एक पर्टिकुलर डे में अनुराग एक रिक्शा पुलर है वो नाइन्टी थ्री रुपीज़ कमाता है और उसमें से फोर्टी सिक्स रुपीज़ एंड ट्वेंटी फाइव पैसे खर्च कर देता है इसका मतलब वो कितना सेव करता है तो इसमें आप क्या करेंगे इसमें आप माइनस करेंगे एक्जाम्पल थ्री अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ट्वेंटी फाइव रुपीज़ एंड नाइन्टी पैसे वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेवन सच पैकेट्स एक पैकेट कि की जो कीमत है बिस्किट के वो है ट्वेंटी फाइव रुपीज एंड नाइन्टी और आपसे सेवन का पूछा है यानी आपसे ज्यादा अमाउंट का पूछा है तो आप उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ओके okay, चिल्ड्रन अब आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे जितनी भी वोट प्रॉब्लम्स हैं आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे बिल्स When we buy something, the shopkeeper prepares a bill or cash memo for our purchasing. A cash memo is a printed form, shows the items purchased, their quantity, rate and the total price. The specimen of a cash memo is shown below. आप जब किसी भी शॉप में जाते हैं कुछ सामान परचेज करने के लिए तो आपको एक बिल मिलता है राइट right? आपको शॉपकीपर एक बिल प्रिपेयर करता है आपके लिए जिसमें सारी चीज़ें आपने जो आइटम्स खरीदे हैं वो लिखा होता है उनकी क्वांटिटी उनका रेट और उनका टोटल प्राइस आपको देखिए एक कैश मेमो इसका स्पेसिमेन दिया गया है मेकिंग अ बिल मिस्टर कपूर परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम वासु बुक स्टोर फाइव इरेजर फॉर रुपीज़ टेन ईच टू जियोमेट्री बॉक्सेस फॉर रुपीज़ फिफ्टी सिक्स ईच फोर पेंसिल्स फ़ॉर रुपीज़ थ्री ईच वन मैथ्स बुक फॉर रुपीज़ वन हंड्रेड फोर्टी फाइव मिस्टर कपूर ने ये सारे आइटम्स खरीदे वासु बुक स्टोर से ओके okay? आप आइए इनके लिए बिल प्रिपेयर करते हैं बिल फॉर सबसे पहले जब भी बिल बनाते हैं एक सीरियल नंबर होता है देन नेम ऑफ द आइटम्स क्वॉंटिटी देन रेट देन अमाउंट ओके तो फर्स्ट फर्स्ट उन्होंने लिया इरेजर इरेजर की क्वांटिटी थी फाइव पीसेस एंड एक इरेजर का कॉस्ट था टेन दैट मीन्स फाइव का कितना कॉस्ट हुआ फाइव इंटू टेन इज इक्वल्स टू रूपीज फिफ्टी इसी तरह से सेकेंड उन्होंने लिया जियोमेट्री बॉक्स अब जियोमेट्री बॉक्स उन्होंने लिए टू पीसेस एक जियोमेट्री बॉक्स का प्राइस था फिफ्टी सिक्स यानी फिफ्टी सिक्स को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा वन हंड्रेड ट्वेल्व इसके बाद नेक्स्ट है पेंसिल फोर पेंसिल्स ली मिस्टर कपूर ने और हर पेंसिल का प्राइस था रुपीज थ्री तो फोर पीसेस का कितना होगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व रुपीज देन मैथ्स बुक सिर्फ एक ही पीस लिया था एंड पर पीस का कॉस्ट था रुपीजन फाइव तो सेम अमाउंट उधर आ जाएगा इसके बाद क्या करना है जितना भी अमाउंट आया है उसे आप टोटल प्लस करेंगे चेकिंग अ बिल वी शुड चेक द बिल बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड एंश्योर दैट देर इज नो एर वी शुड चेक द फॉलोइंग वेदर द आइटम्स एट द क्वान्टिटी हैव बीन एंटर्ड करेक्टली और नॉट द रेट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स द ग्रैंड टोटम आपको बिल हमेशा चेक करना चाहिए पेमेंट देने से पहले तो आपको क्या क्या उसमें चीज़ें चेक करनी है सबसे पहले आइटम्स और क्वान्टिटी वो करेक्टली एंटर्ड होनी चाहिए उनका रेट और इंडिविजुअल आइटम का टोटल कॉस्ट और लास्ट में ग्रैंड टोटम ओके चिल्ड्रेन अब आपको बिल प्रपेयर करना है नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे सो चिल्ड्रेन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे